हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने खड़ा है RTR 182 भी BS6 मॉडल। तो जैसे कि देख सकते हैं, अभी हम गोडाउन पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे अभी बस जस्ट बाइक आया ही है। आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपको ये बाइक देखना है, 182 भी कब आएगा। तो पहले मैं ये आपको प्रूफ कर देना चाहता हूँ कि ये BS6 मॉडल है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसमें कैथलेटिक कन्वर्टर दिख रहा होगा। तो बात करते हैं डिज़ाइन वाइज, तो आपको डिज़ाइन वाइज इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सेम आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है इसका, पहले के जैसा ही। और लाइट्स में भी कंपनी ने कोई चेंज नहीं किया है, आपको सेम लाइट्स देखने को मिल जाते हैं, वो हैलोजन लाइट्स। लाइट्स में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे आपको LED DRLs देखने को मिल जाते हैं पहले के जैसा ही। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेम लाइट्स आपको देखने को मिलता है। उम्मीद तो काफ़ी था कि आपको इसमें LED लाइट्स मिलने का काफ़ी उम्मीद था, बट नहीं दिया है। सेम आपको हैलोजन लाइट्स ही देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसका डिज़ाइन वाइज। तो आप जैसे कि अब हम इसका मीटर के बारे में आपको बता देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मीटर में भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सेम आपको मीटर देखने को मिल जाता है इसमें पहले के जैसा ही। बस यहाँ पे आपको एक न्यू लाइट देखने को मिल जाएगा, जो कि इंजन माल फंक्शन लाइट, जो कि इस बार कंपनी ने ऐड कर दिया है, क्योंकि बाइक जो है वो अब फ्यूल इंजेक्टेड हो गया है। पहले कार्बोरेटर आता था, और यहाँ पे आपको फ्यूल लो फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। ये आपका इंजन वार्निंग लाइट हो गया, ये बैटरी रिमाइंडर हो गया, और ये आपका ABS का लाइट हो गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें मीटर कंसोल में आपको कोई भी मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर का देखने को मिल जाता है सेटिंग्स, इससे आपका ट्रिप मीटर यहाँ पे दिख जाएगा। ये आपका मोड सेटिंग्स का ऑप्शन हो गया, और यहाँ पे आपको स्पीड इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपका टाइम दिखाता है, और यहाँ पे आपका ट्रिप दिखाता है। इसमें गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर आपको अभी भी देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पे आपको न्यूट्रल का लाइट देखने को मिल जाता है, और इंडिकेटर का भी लाइट आपको इसी में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके हैंडल्स की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हैंडल्स में आपको यहाँ पे इंजन किल स्विच पहले के जैसे ही देखने को मिलता है। ये आपका स्टार्ट का स्विच हो गया, ये आपका फ्रंट ब्रेक लीवर हो गया, और यहाँ पे आपको क्लच का लीवर देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड का आवाज़ के लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी साउंड आ रहा है, क्योंकि गोडाउन जो है वो आपका रोड के साइड में है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी ऐसी बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। आपको पता है कि सबसे पहले आपको अपने भाई के चैनल पर ही वीडियोस देखने को मिलती है, तो फ्रेंड जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अब हम बात करते हैं इसकी स्टिकरिंग की। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सेम स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है पहले के जैसा ही, और आपको यहाँ पे TVS का लोगो भी 3D में देखने को मिल जाता है, जो कि सिल्वर कलर में, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है बाइक को। और ये सेम आपको स्टिकरिंग ग्राफिक्स पहले के जैसा ही देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी सीट की। तो सीट भी आप देख सकते हैं, आपको डुअल टेक्सचर में सीट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक अलग पैटर्न देखने को मिलता है, जिससे कि आपको ग्रिप काफ़ी अच्छा मिलेगा, और स्विफ्ट सीट भी इसका काफ़ी सॉफ्ट है पहले के कंपेरिजन में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको पैसेंजर के लिए, पीछे वाले पैसेंजर के लिए आपको अलग टेक्सचर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है इस बाइक के सीट को, एज़ कम्पेयर टू पहले के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं इसका इस साइड का। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, आपको सेम इंजन पहले के जैसा ही देखने को मिल जाता है 180cc का। पावर अभी कुछ कन्फर्म नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, तो पावर के बारे में मैं अभी आपको नहीं बता सकता, बट पावर में मेजर कोई चेंज नहीं आया होगा बाकी सारी बाइक्स के जैसा। सेम आपको गियर बॉक्स का जो सेटअप आपको पहले देखने को मिलता था, वही गियर बॉक्स का आपको सेटअप पहले के जैसे ही देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेंशन भी किया हुआ है, तो एक नीचे और चार ऊपर, आपको पांच गियर का सेटअप पहले के जैसे ही देखने को मिल जाता है। बस यहाँ पे आपको एक न्यू स्टिकर देखने को मिल जाता है RTFI का, रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन, जो कि अभी TVS अपनी BS6 बाइक्स में यूज कर रहा है। और बात करते हैं इसका फ्रंट का, जो आपको गार्ड देखने को मिलता है लेग गार्ड, उसमें पहले ये सिंगल पीस में आता था, बट अब ये आपको टू पीस में देखने को मिलेगा। ये अलग यहाँ पे एक पीस इस साइड से और उस साइड से अलग देखने को मिल जाएगा, ये एक चेंज आया इस बाइक में। अब बात करते हैं इसका सस्पेंशन का। तो आपको सेम सस्पेंशन, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं पहले के जैसे ही, गोल्डन कलर में। इसमें भी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, और यहाँ पे आपको सुपर मोटो ABS ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ABS का, जो कि TVS ने दिया है। और इसका व्हील्स का बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको TVS का न्यू आपको ये लोगो देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको स्टिकरिंग भी दे रही है TVS, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। अब हम बात करते हैं इसके टायर साइज का। तो टायर आपको 90x90 का टायर यहाँ देखने को मिलता है, 17 इंच के अलॉय व्हील पर माउंट है, जो कि ट्यूबलेस टायर है। अब हम बात करते हैं इसके इस साइड का। तो आप इस साइड में यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सेम डिस्क ब्रेक पहले वाले ही देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आपको ABS में एक प्लेटिंग दिखाई दे रहा होगा। ये कंपनी ने ऊपर से इसमें कवर प्रोवाइड किया है ABS का प्रोटेक्शन के लिए, जो कि ये काफ़ी अच्छा बात है। ये आपको कोई भी कंपनी में अभी तक देखने को नहीं मिला होगा, शायद कोई कंपनी दे रही हो। तो आपको सेम डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं पहले के जैसे ही। अब हम बात करते हैं इस साइड का। तो यहाँ पे आपको इंजन पे एक न्यू काउल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है बाइक को इस साइड से। और सेम आपको यहाँ पे TVS रेसिंग का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, और ब्रेक्स भी आपको सेम पीछे के जैसे ही देखने को मिलते हैं। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है पहले के जैसा, डुअल चैनल ABS इस बार भी कंपनी ने नहीं दिया है।
अब हम बात करते हैं इसका रेयर का, तो जैसे कि आप देख सकते हैं MIG का आपको सेम यहाँ पे सस्पेंशन रेयर का देखने को मिल जाता है, जो कि इसमें भी कोई चेंज नहीं किया है कंपनी ने, और एग्जॉस्ट भी आपको सेम देखने को मिलता है, बस यहाँ पे एक आपको कैटलिटिक कन्वर्टर काफी बड़ा साइज का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसका इस साइड का हो गया, अब हम इसका रेयर लुक का बात करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं रेयर से भी आपको सेम लुक देखने को मिल जाता है, रेयर में भी कंपनी ने कोई चेंज नहीं किया है, सेम आपको लाइट्स LED लाइट्स रेयर में भी देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका कंप्लीट ओवरव्यू, अगर आपको इसका राइड रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं इसका राइड रिव्यू आपको कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी ऐसी बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए, और अगर आपको इस बाइक के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका इंडिकेटर दिखा देता हूँ आपको, सेम इंडिकेटर्स पहले के जैसे ही मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स में भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, सेम क्लियर लेंस में आपको इंडिकेटर पहले के जैसे ही मिल जाते हैं। और रेयर का भी, इसका टायर का मैं आपको बात करता हूँ, तो रेयर में इसको आपको 100x80 का टायर देखने को मिलता है, जो कि 17 इंच के अलॉय व्हील पर माउंट है, जो कि ट्यूबलेस टायर है, और सेम ग्राफिक्स आगे के टायर के जैसे आपको इसमें भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका ये आप इंजन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे फ्यूल पंप दिख रहा होगा, जो कि पहले कार्बोरेटर था बट अब FI हो गया है। तो इसमें काफ़ी सारे न्यू सेंसर्स भी ऐड हो गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, थैंक यू फ्रेंड्स।